आई स्टिल रिमेंबर कि लॉकडाउन जस्ट खत्म होने के बाद सिद्धार्थ गरिमा का मुझे कॉल आया था एंड देवर लाइक वी आर वर्किंग ऑन अ फिल्म कॉल्ड दुकान एंड कैन यू जस्ट डू सम इंट्रोडक्शन पीस फॉर द फिल्म. सो वैसे बना था मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ सॉन्ग एंड इन्होंने कहा था कि एक हफ्ता ले लो बट आई वॉज सो एक्साइटेड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. आई थिंक मैंने और ऋत्विक ने दो दिन में वो प्रेजेंट किया था स्टूडियो एंड देवर लाइक यार ये बैंग ऑन है एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू हैव वर्क विद सिद्धार्थ एंड गरिमा बिकॉज आज की डेट में इतने सुंदर लिरिक्स जब आप एल्बम सुनेंगे तो म्यूजिक अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है बट द लिरिक्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड जो स्क्रीन प्ले को लेके चलता है आपको एक सीन से दूसरे सीन तक लेके जाते हैं वैसे लिरिक्स हैं. एंड जो सिड भाई ने बात बोली आज की डेट में फिल्म बन जाती है उसके बाद गाने नया वर्ड है शॉपिंग किए जाते हैं कि भाई ऐसी स्क्रिप्ट है 10 कंपोजर से 10 गाने लिए जाते हैं एंड हाँ नया नया टर्म है ये मैंने भी सुना है बट आई एम ग्लैड कि मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने पूरा फेथ रखा एंड दे लेट मी वर्क विद ऑल द फ्रीडम. एंड हमारी इसी जर्नी में विद संदीप सर ब्लेसिंग्स वी गॉट सतरंगा. सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड अगेन ब्लेसिंग अस. थैंक यू फॉर द साथ देने के लिए शुक्रिया. थैंक यू श्रेयस फॉर एवरीथिंग. एंड जस्ट लास्ट एक डायरेक्टर तो हवा में उड़ता है जैसे राइटर डायरेक्टर हवा में उड़ जाता है कुछ भी लिखता है बोलता है कि ना ये यहाँ जाके होगा यहाँ से क्रेन लगा दो यहाँ से लाइट हमको शॉर्ट ऐसा चाहिए. ये तो अपना पागलपंथी हमारी चलती रहती है तो उस पागलपंथी को यहाँ तक पहुँचाने में जिसका हाथ है ही इज द DOP ऑफ दिस फिल्म अनिर्बान चैटर्जी एंड ही इज जस्ट स्माइलिंग एट मी राइट नाउ कि आपने मेरे को क्यों माइक में ये पोजीशन में क्यों डाला है. बट सर थैंक यू सर 38 डेज में कैसे शूट करी अपने पिक्चर प्लीज बताओ ना. 38 डेज में ऐसी पिक्चर शूट की विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. हाउ थैंक यू सर ऑल बिकॉज़ ऑफ यू गाइस देयर वाज सो मच ऑफ क्लैरिटी सो दैट्स हाउ वी गॉट इट डन. थैंक यू सर. अरे सर ये क्या है मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड मेनी विजुअल्स एज यू विल सी इन दुकान इट्स हिज ब्यूटीफुल वर्क दैट यू सी देयर यू नो इन टर्म्स ऑफ मैं खुद ही बोल रही हूं. That's Garima for you. अच्छा एक before we start with the questions मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि एक बहुत important किरदार इस poster को भी जब देखा था अभी trailer भी देखा वो है कि surrogate का tummy. To get that right and to get that because it's a very fine line. It can get into the funny zone. हम जब 80s 90s की फिल्में देखते हैं हम spot करते थे देख लिया किया मैंने देख लिया ऐसा कर. But so to get that to crack that right is was very very important because it has to look genuine authentic. तो इसमें राइट और रॉन्ग में मेरे को लगता है हम जा ही नहीं पाएंगे अनमोल. ऑल दो वी वॉन्ट एवरीबडी टू गो राइट एंड रॉन्ग इन दिस कि कैसे या हमने सही किया या गलत. बट किसी ने वो पेट बिना कपड़ों के अनकवर्ड बेलीज देखे ही नहीं. हम वी आर नॉट यूज टू बट वेन वी वेंट टू रिसर्च डू रिसर्च फॉर दिस फिल्म इन गुजरात इट वॉज वेरी कॉमन देयर. ये ऐसा नहीं कि हमने शॉक करने के लिए या कुछ ऐसा. वेरी लाइक एन एटीट्यूड लाइक इट्स यू नो दिस इज माय प्रोफेशन सो दिस इज हाउ इट इज एंड वी वांटेड टू कीप इट एज इज इन द फिल्म. ऑफ कोर्स बहुत अलग विजुअल है तो हम जानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है बट कहानी उसी तरह से कहनी थी हमें ये हमें बहुत क्लियर था. क्या बात है मतलब शर्म की बात नहीं है कि प्रेग्नेंट है ना तो मतलब वो सेलिब्रिटीज गो एंड डू अ फैशन शूट अबाउट इट बट यू नो कॉमन है विलेजेस में रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया में बहुत कॉमन है कि वो खुला रख के घूमते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम. ओके वी कैन ओपन द क्वेश्चंस फॉर द मीडिया प्लीज. हेलो या सदानंद ग्रीवा थैंक यू सो मच. आपने कहा बहुत सी बातें हुई संदीप सर यहाँ मौजूद हैं और जैसे आपने कहा कि ही इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट वी ऑल एग्री यू सिटिंग इन दिस ऑडी. मेरा सवाल आपसे है कि संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज के साथ काम किया आपने अक्षय कुमार साहब के साथ काम किया संदीप रेड्डी वांगा जैसे अल्फा मैन को बुलाने की जरूरत क्या थी रिबिन काटने के लिए. व्हाट द रीजन बिहाइंड इट ऑन अ वेरी लाइटर नोट व्हाई यू थॉट टू बी यू नो to Sandeep to be here to do the cutting ribbon cutting ceremony. What's so special about it? We are best of friends. मतलब वो जब हम पहली बारी जब मिले थे you know ऐसे it was बहुत ही informal सी meeting थी और हम लोग कबीर के dialogue कर रहे थे उस time. तो first meeting was very very you know very casual and we hit it off कि जो भी वो बोलते हैं हमको हंसी आती है हम जो बोलते हैं उनको हंसी आती है. सेम चीजों के बारे में बातें बुराइयां और अच्छाइयां करते थे तो हमें लगा हमें सेम चीजें पसंद है और नापसंद है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. और संदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर का दर्द क्या होता है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अर्जुन रेड्डी बनाई जो उनकी उसमें उन्होंने जो स्ट्रगल की है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. आई एम श्योर सबने की है लेकिन क्योंकि
और संदीप ऑल द वे हैदराबाद से आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो उस दर्द को उस शिद्दत को समझते हैं। तो मतलब जब भी टेंशन होती थी यू नो होती है ऑफ कोर्स देयर इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स एवरीबॉडीज लाइफ, तो फिल्म मेकर्स की लाइफ में तो ज्यादा ही अप और डाउन होता रहता है, रोलर कोस्टर हो जाता है वो। तो वो जब होता है तो व्हेनेवर यूज्ड टू टेल संदीप ना यार संदीप बहुत स्ट्रेस है यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलता है अरे क्या टेंशन ले रहे हो यार तुम लोग, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसा होता है पहली फिल्म। वी डिडंट बिलीव हिम देन, ये मतलब बाकी जिनके साथ हमने काम किया फिल्म डायरेक्टर्स उनके साथ हमारा ऐसा इक्वेशन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, दे आर आल्सो फ्रेंड्स, बट ऐसा वाला नहीं था कि जो दर्द को समझे। संदीप सर मतलब आप दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं, डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक जब इन्होंने कहा कि दे वांट यू टू बी हियर, और कितनी जैसे रेड्डी वो बात हुई उस फिल्म की बात हुई जो पहली आपकी पहली फिल्म की बात हुई, डू यू गॉट नॉस्टैल्जिक, क्या आपको अपना वक्त याद आता है जब आपने संघर्ष किया अपना मकाम बनाने के लिए? या याद तो आता है, बट आई एम हियर ओनली बिकॉज यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट फ्रेंड्स इन बॉम्बे, नाउ आई हैव सौरभ सुरेश एंड रणवीर, बट व्हेन आई वाज व्हेन वी वर मेकिंग कबीर सिंह आज तक एंड फ्यूचर में भी दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो अभी मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए जानते हैं आपने, तो मैं वे उधर आके बैठता था तो कौन नहीं जानता सर। नहीं बोल रहा हूँ। हाय मेरा सवाल गरिमा सिद्धार्थ और मोनिका से है। हाय हाँ जी। एक तो तीनों को जवाब देना पड़ेगा एक साथ, मतलब तीनों के लिए एक ही सवाल है जिसमें तीनों के अपने अलग अनुभव होंगे। एक तो क्या कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी बातें चैलेंजिंग थी या टफ थे सीन, क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया था तो एक लिखने की आसानी, पर्दा पहली बार आप फ्लोर पर जा रहे थे फिल्म के साथ, तो क्या चीज चैलेंजिंग था आपके लिए सिद्धार्थ के लिए और मोनिका के लिए? मतलब इसको ऐसे भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि लुक क्या रखा जाएगा, जो रूम है वो कैसा दिखेगा, कितना असली नकली, क्योंकि बहुत ध्यान से देख रहे हैं हम पहली बार भी देखने जैसे, तो कैसा क्या होगा, कितनी बार मिटाया, कितनी बार प्रोस्थेटिक किया, वो भी। मैं बहुत ही इसका संक्षिप्त में जवाब दे देती हूँ आपको, सॉरी मैम आई विल जस्ट आंसर। सो बेसिकली सबसे मुश्किल सीन मैं आपको बताती हूँ कौन सा था, प्रोसेस पे तो सिद्धार्थ आएंगे, कि हम लोगों ने आपने देखा ट्रेलर में एक है जगह जहाँ पे हेलो एवरीबॉडी बोला जाता है और औरतें सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही हैं, वो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद के पास एक छोटे से शहर में एक कुआं है, उस कुएं को हम लोगों ने उस गांव में बिल्कुल ऑब्स्क्योर सा कुआं था, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने उसको धुलवाया साफ करवाया, वहाँ हमने अपनी शूट अरेंज की और उधर कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर जाने के लिए, तो ये लड़कियों पे हम लोगों ने जो पेट लगा लगा के प्रोस्थेटिक वाले उन्हें ऊपर पहुँचाया है क्रेन से, ये सबसे चैलेंजिंग सीक्वेंस थी हमारे लिए शूट करने के लिए। और जब ये हो गया तो हमें लगा कि अच्छा ये अब एक आप देखेंगे फिल्म में किस तरीके से ये आती है सीक्वेंस। ये फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है तो आपको दिख जाएगा, इनफैक्ट ट्रेलर में भी उसके कुछ शॉट्स हैं, तो जहाँ पे मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जाना तो उनको हमको वहाँ लेके जाना पड़ा, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कोर्स। और देर इज अ जैसे लीड कैरेक्टर है हमारी जैस्मिन जो प्लेड बाय मोनिका, उनकी एक उनका एक ग्राफ है फिल्म के अंदर, वो कभी तीन बार प्रेग्नेंट होती हैं कुल मिला के, तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हम उनको देखते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने रिसर्च की है, एंड ऑफ कोर्स वो जैसा आप अब आप लोग देखेंगे कि पेट कैसे हैं और उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो फिर पता चलेगा सही है या गलत। मोनिका मैंने 15 kg का दिस टमी एटलीस्ट एक महीने तक नहीं पहना, मैं आपको बहुत फैंसी आंसर दे सकती हूँ कि दिस वाज डिफ़िकल्ट दैट वाज डिफ़िकल्ट, बट ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए जब इतना बरखूबी कुछ भी लिखा जाता है तो वो इमोशनली चैलेंजिंग होता है, बट टू बी ऑनेस्ट आपको जो मज़ा आता है ना वो करने में, जिस तरीके की लाइंस आपके लिए लिखी होती है, मतलब ये कहने में किसको मज़ा नहीं आएगा कि करण को करण लगता है क्या, तो आप उसमें सिर्फ अपना 100% देना चाहते हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। ऑफकोर्स कभी कभी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको उसी लाइट में शॉट लेना है, टाइम जा रहा है, एंड नाउ वी आर क्वाइट यूज टू इट, सो वो पर्टिकुलर ऐसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस याद हैं। इवन उस टाइम की डिफ़िकल्टी आज, मतलब एक एक्टर के लिए वो सब चीज़ करना इज़ सच अ ग्रेट थिंग, एंड मतलब आज अगर आप यहाँ पे खड़े हो इतने सारा यू नो फिजिकली या फिर इमोशनली ड्रेन्ड होके, दैट्स हाउ इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। सो पर्सनली आई हैव जस्ट इन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, सो ऐसा कुछ नहीं था कि इट दिस इज़ डिफ़िकल्ट और दैट इज़ डिफ़िकल्ट। ये बहुत कमाल की एक्टर है, नहीं कुछ चैलेंजिंग नहीं लगता है, मैं आपको बता दूँ इमोशनली तो ये सीन्स को ऐसे ऐसे चुटकी चुटकी। Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood Center. Yeah. Hi. मेरा पहला सवाल मोनिका जी से है, इधर सेंटर। ओह ओह या हाँ जी।
जैसा कि ऑब्वियसली ट्रेलर में जो आपका सबसे मजेदार डायलॉग है कि करंट को करंट नहीं लगता जी, तो क्या इस हिसाब से आप बिजली की रानी हवा हवाई की कोई भतीजी हुई? अगर आप चाहते हैं मैं भतीजी बनूं तो मैं तैयार हूं भतीजी बनने के लिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्या मिलेगा मुझे भतीजी बना के? आई कैन ओनली से दैट यू आर अ वेरी बैड कंडक्टर. कंडक्टर. माय क्वेश्चन नाउ फॉर सिद्धार्थ एंड गरिमा इज, आपने ब्रीफली मेंशन किया, आई थिंक एज लेमैन ऑब्वियसली हमें तो इस चीज़ों का इतना पता नहीं है, बट यू यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल. एक आई थिंक जनरल अजम्पशन है इस चीज़ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है, और उस हिसाब से फिर आपका जो ट्रेलर देखा उसके अंदर जो ये देखने मिला है कि जो सरोगेट मदर है और जो पेरेंट्स हैं वो साथ में ही हैं, ये इनके यहाँ काम कर रही है. बट जब आपने 8 साल पहले ये कहानी लिखी और फिर जब इस पर रिसर्च किया, वर यू एबल टू हैव एक्सेस टू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट और उसके अंदर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे आपको इस चीज़ के? एब्सोल्युटली यस, वी डिड. वी हैड एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. वी मेट द सरोगेट पेरेंट्स एक्सटेंसिवली इन गुजरात. लाइक आई सेड, दिस आइडिया हैज़ बीन विद अस सिंस 2010. 2013-14 में इसकी रिसर्च हमने शुरू कर दी थी, तो हम दोनों तरफ के लोगों से बहुत मिले, और जो जो इसीलिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हम कह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये फिल्म. हाँ. और मतलब ये तब की बात है जब कमर्शियल सरोगेसी बैंड नहीं थी इंडिया में, और सब कुछ ऐसे होता था जैसे कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं. जो आप फिल्म में देखेंगे कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट फैक्ट बेस्ड है. ऑलमोस्ट ऑफकोर्स थोड़ा तो फिक्शनलाइज करते हैं हम फिल्म के लिए, वो तो कहानी होती है, बट हमने सब कुछ देखा है. आप एक साथ 50 प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं एक घर में, हमने वो देखा है, उनके मूड स्विंग्स देखे हैं, हमने बहुत टाइम बिताया. मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग बोलते थे बस कर दो अब रिसर्च करना, पिक्चर बना लो वरना यहाँ ना छोड़ दो. तो इसलिए हमने कहा कि अब बना लेते हैं. और ये भी सच है कि सरोगेट पेरेंट्स और सरोगेट नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मिला करते थे. वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा. गरिमा ने तो कह दिया, उन्होंने जिम्मा ले लिया है पूरी दुनिया को बताने की यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेमिनिस्ट, बट आपके हिसाब से संदीप जी आपको क्या कुछ इस चीज़ के लिए लोगों की राय बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिद्धूइज्म है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसा सफाई नहीं दूंगा, मैं पिक्चरें बनाऊंगा, आप बात करते रहो. थैंक यू. ये सवाल सिद्धार्थ और गरिमा आप दोनों से है. ट्रेलर इज वेरी गुड, नो बहुत अच्छा ट्रेलर है, काबिले तारीफ ट्रेलर. थैंक यू. लेकिन ट्रेलर साथ साथ में ना मुझे कहीं कृति सेनन की मिमी की भी याद दिलाता है, क्योंकि वो भी इसी लाइन पे फिल्म थी. कैसे ये फिल्म उस फिल्म से जुदा होगी, आप दोनों से ये सवाल है. और मोनिका आपसे, आपका भी यकीनन कंपैरिजन होगा, दिस इज व्हाट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इसी लाइन पे देखा है, तो कैसे मुख्तलिफ होगा उस फिल्म से, और आपका आपके किरदार को लेके भी आपने क्या तैयारियां करी, क्योंकि कंपैरिजन होते हैं, प्लीज बताएं. कौन? मैं पहले डायरेक्टर. हाँ जी, तो कंपैरिजन देखिए होगा, होता है वो. आप मेरे लिए तो ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुख्तलिफ है फिल्म में. और मिमी मेरे हिसाब से एक बंदी की, एक लड़की की कहानी थी, और हमारी फिल्म में उस दुनिया को आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कभी नहीं देखी. मोनिका? और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि टास्क या कुछ भी चीज़ करने में तब मज़ा आता है जब आप एक ही चीज़ को एक डायरेक्टर अलग अलग तरीक़ों से दिखा रहा है और फिर भी ऑडियंस को शॉक कर रहा है. मतलब अगर आप एक सेब के ऊपर या एक एप्पल के ऊपर कहानी बना रहे हो, इन्होंने कैसे दिखाया एप्पल को, दूसरे डायरेक्टर ने कैसे दिखाया एप्पल को, वहाँ पर टास्क आता है. मतलब इट्स वेरी ईजी कि आप नए नए कॉन्टेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक ही कॉन्टेक्ट में आप कितने डेप्थनेस के साथ खेल सकते हो. सो दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज, एंड वहीं पे आई थिंक असली आपकी क्रिएटिव प्रोसेस पता चलता है. एंड फॉर मी आई थिंक आई एम फाइन विथ कंपैरिजन, मतलब देर इज़ नो सच प्रॉब्लम एज सच, एंड आई विल बी ग्लैड कि अगर कृति, शी इज अ वंडरफुल एक्टर, बट हर कोई अपने प्रोसेस के हिसाब से जाता है. सो मैंने कोशिश किया है कि जितने जो उन्होंने लिखा है उसको बरखूबी निभा सकूँ, उस डेप्थनेस के साथ, परफॉर्मनेस के साथ निभा सकूँ, अदरवाइज कंपैरिजन इज फाइन, इट्स ओके. हाय, दिस इज सुहेल जस्ट एंटर. बिग कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. माय क्वेश्चन इज संदीप जी. संदीप जी, आपने
इंडस्ट्री का एक इक्वेशन ही बदल दिया है एक्चुअली आफ्टर योर फिल्म. व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एंड आई फील देर आर लॉट्स ऑफ फिल्म मेकर्स जिन्होंने फिल्में कुछ शूट की थी और कुछ ऐसे सीन्स थे जो थोड़ा वो लोग थिंकिंग के सेंसरशिप में ये चीज़ आगे पीछे होगी या नहीं, बट उसके बाद देर आर लॉट्स ऑफ थिंग लाइक शायद उन्होंने रीशूट भी की है ऐसी चीज़ें. आपने हिम्मत दी है उनको, तो व्हाट हैव यू टू से ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? मैं बहुत बात किया यार, मैं सच बोल रहा हूं. ये वाली बात की वापस रीशूट, ये भी बात किया, रिवाइंड करके देखो. अब क्या सुनना चाहते हो बोलो. अब बोल दीजिए एक बात. हर एक का एक स्टाइल होता है ना फर्स्ट टाइमर का. सो हम अपन कितना भी चेतावनी देंगे प्रॉब्लम्स के लिए, नया नया प्रॉब्लम्स आएंगे स्टोरी के हिसाब से, फिल्म मेकर के हिसाब से. सो इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं रहता. बिकॉज इफ एग्जांपल वी टेक सेंसर बोर्ड का एग्जांपल लेंगे, सेंसर बोर्ड इज लाइक ए शॉकर. शॉक के लिए, सरप्राइज के लिए प्रिपरेशन क्या होगा? सो इसलिए बोल रहा हूँ कि छोड़ देते क्वेश्चन. आई थिंक यू गॉट राइट. Yeah. मिला ना? What was your advice to the filmmakers, the directors actually? अगर while making they might be taking your शायद advice ले रहे होंगे. कई जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत ही एकदम ही गहरी दोस्ती है आपकी, और कहीं पर भी अगर वो फंस जाते थे तो आपसे वो सलाह मशवरा करते थे. तो आपका उन्होंने वो तो कहा था कि डरो मत, बट उसके अलावा अलग तरह से किस तरह से आप हिम्मत देते थे कोई सीन के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल सकते. मतलब आई मस्ट हैव सेड डोंट वरी जस्ट गो अहेड, बट उससे कुछ नहीं मिला होगा उनको. बिकॉज़ दे मस्ट हैव फिगर्ड आउट देयर ओन वे. सो या संदीप, आई वुड लाइक टू ऐड दैट संदीप इज द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म मेकर. सो उनके उनका जो कनेक्ट ऑडियंस के साथ में है ना, वो हमेशा एक इंस्पायरिंग चीज रहेगी हमारे लिए और रहेगी. संदीप इज अ वेरी इंस्पायरिंग एग्रीवेटिंग. Yeah, would you like to add something, Sandeep? मैं add करूँ? Yeah. नहीं बोलिए, आप सुनता हूँ मैं. नहीं, I would like to hear from you because your aggression shown in the films, be it Kabir Singh, be it Animal, everybody has liked it, and it's going over the top. Even now, people are refusing to turn back and see something else. What do you have to say about it? About your aggression? वो natural है. नहीं, मतलब वो नेचुरल एग्रेशन है. मतलब कहानी के लिए कुछ स्पेशली कुछ लेके नहीं आया मैं, तो फ्लो में आ गया, लिख दिया, बना दिया. यू कैन सी हाउ एग्रेसिव ही इज. ही हैज अ स्ट्रांग वॉइस एज़ अ फिल्म मेकर. सीइंग द सेकंड पार्ट. सॉरी, आर यू रेडीइंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ एनिमल? नो, आई एम वर्किंग ऑन स्पिरिट विद प्रभास गारू, देन आफ्टर दैट आई विल डू एनिमल पार्क. स्पिरिट ఇట్లా ఏమండి గారు? Spirit is about a sincere cop. Elaborate chestavu inta 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 lesa ippude ippude elaborate chesthe mari cinema lo em chustaru meeru inko telugu bolchidare saatha ippude elaborate chestavu mee baagunnara. I'm not understanding what you said. I said if you elaborate a little bit about it, what spirits like, is it connecting to ghost or something? No. Will you bring in some ghostly no it's manly? as I said it's a story of a sincere cop. Oh, police. Yeah. Police. Wow. Hi, Manali. This is Runa from Web Duniya. आपको तो क्या? Hi. In an Idol 2 से मैं आपको cover कर रही हूँ, तो आप जो भी करती हैं मैं खुश हो जाती हूँ. कभी आप गाना गाती हैं, reality show में आती हैं, तो very happy for every step of your life. Oh, thank you. ये वाली फिल्म करने के लिए हाँ बोलने के पीछे क्या कारण था? Story and such incredibly talented people, the minds behind it. सिद्धार्थन गरिमा, मैं वही बोली थी कि मैं जहाँ पर थी ना, जहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे लगा था कोई होने ही नहीं वाला, कोई चांस ही नहीं है. मैं एकदम बर्फ में, इट्स अ वेरी लाइक आई वाज इन स्विट्जरलैंड व्हेन आई गेव द ऑडिशन. और मैं आई रिमेंबर दैट कभी ऐसा होता नहीं कि जिस दिन ऑडिशन देते हो आप उसी दिन आपको मिल जाए, तो मुझे उसी दिन जवाब मिल गया. बहुत ही सुंदर ऑडिशन था, हम नहीं रुक पाए. अरे हाउ नाइस, थैंक यू. बट वो आता नहीं है, वी लेट यू नो. हाँ, We'll get back to you वाला नहीं है हमारी. हाँ नहीं, वो हुआ ही नहीं. मुझे लगा अरे एक ही दिन में दो तीन घंटा भी नहीं लगा, मुझे कुछ तो टाइम ले लेते, मुझे भी अच्छा लगता. बट नो, इट वॉज यार एक मिनट के ऑडिशन के लिए क्या दो तीन घंटा लेना क्या ना भाई, एक मिनट के ऑडिशन के लिए कितना कुछ करना पड़ता है लोगों को. और कितना वो तो जब आपने कर दिया तो फिर हम डिसाइड करने में टाइम नहीं लगा. एक मिनट के लिए अगर सपोज द कास्टिंग डायरेक्टर डजंट लाइक यू, विल मेक यू गो राउंड एंड राउंड लाइक क्रेजी. सो ट्रस्ट मी, दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस. बट आई विल हैव टू से दैट मैंने काफ़ी सालों बाद फिर से कैमरा फेस किया एज एन एक्टर, एंड आई मिस्ड इट सो मच.
and I don't think this could have been, there could have been any other better place to be than Dukan set. और as a woman, I am not yet a mother. तो मैं for me it was also a very beautiful experience personally, because ऐसा कभी किरदार निभाने का मौका भी नहीं मिला. I have played a kid and all that when I was absolutely a full-grown adult, but but being a mother on screen was also a beautiful experience, and some crazy people. She's being so nice and like this, but sab crackpot hai, sab, which has been just a beautiful experience, including hamare Siddharth ji and Garima ji. They all are, we all are, we were mad on set, but that was the most beautiful energy, including also the ADs, everybody. So, it was wonderful. Nice, thank you. Siddharth, Garima, aapse ye jana chahunge. Here, again. Siddharth, again. सेवेंटीज के टाइम, एटीज़ के टाइम, जब एक लड़की बोलती थी जाकर कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आई थिंक इससे ज़्यादा डरावना कोई डायलॉग उस सामने वाले के लिए नहीं होता था, तो इसको गाने में तब्दील करना, इसके पीछे क्या कारण रहा? सो हमें लगा ये लाइन एक रेडी लाइन है इंडियन सिनेमा की, सबसे कॉमनली स्पोकन लाइन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. कैसा रहेगा अगर ये एक सरोगेट कहती है उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने मतलब एक बेबी को पैसे देके बच्चे दिए. तो ये एक बात, एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी लगी स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ मज़ा आया श्रेयस के साथ उस प्रोसेस में गाने को गाने में कन्वर्ट करने का जो मज़ा था, कि इस लाइन से लेके फिर अंतरा बना, और आप अंतरे भी सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत हैं. श्रेयस ने लिटरली 3 दिन 2.5 दिन के अंदर क्रैक किया था ये गाना. मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये गोद भराई वाला गाना होगा जो आज तक शायद कभी बना नहीं है. हाँ जी, तो मतलब गोद भराई तो हर घर में होती है लेकिन गाना नहीं बजता है, तो अब शायद ये बजेगा. आई थिंक दीदी तेरा देवर के बाद शायद ये गाना आ जाएगा. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. हाय, गुड आफ्टरनून. एक्चुअली द फर्स्ट आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, 14 इयर्स, व्हाई डिड वी टेक 14 इयर्स टू मेक दिस. आई थिंक अ वुमन बेयर्स अ चाइल्ड फॉर इन हर टमी फॉर 9 मंथ्स. द पेन ऑफ दिस 14 इयर्स इज नथिंग कंपेयर्ड टू दैट. So to it takes that long to deliver, dude. So but why wasn't anybody audible enough to accept it, or because that's a very long time frame, sir. I mean, I'm not being critical. No, so but basically from from conceiving an idea to taking it to making a full script out of it takes a while. This idea especially couldn't just have been a figment of our imagination. It did need us to go to the real places and look at people, meet those surrogates. That itself was a 3-year process, you know. And then, of course, there was other things that we were working on. This was an idea we were toying with. We were thinking, should we make it into a film? Is this idea even worth it? You take a while to judge that. And then, of course, the years when you're mounting it, yes, it was a struggle to get past the Bollywood, framework wherein people do not want to play a pregnant character. We were very sure that we wanted a solid actor for this, because this girl has to take this film on the shoulders. And very ably, Monica Pawar was someone we found because of the first, we saw her work in Jamtara. So that's where we were, And yes, 14 years, to ek idea ka, like for example, you'll meet any filmmaker. I'm sure Sandeep has ideas which he has stored for many, many years. And then, he chooses that time. Toh har film ki ek destiny hoti hai. It takes that long for it to come to fruition, And what is your biggest fear, guys? Like, if you want to answer that. And to Sandeep, sir, you're a great friend. What is the biggest challenge, according to you, as a critique, not as a friend, that this film might encounter as a critique? Yes, I'm asking you. As not as a friend, you're not speaking as a friend, but as a critique. सबका डर एक ही रहता है फिल्ममेकर का. ऑडियंस को पसंद आता कि नहीं. ऑडियंस. उससे ज़्यादा कोई डर नहीं रहता. Yeah. Right. Absolutely right. Absolutely. All right. And I'll tell you, these people are so passionate. So, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, कितना पैशन है ये लोगों में, कितना मैड है ये लोग. इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कबीर सिंह, एक बार मैं इनके ऑफिस गया था. ऑफिस के दीवारों पे, दरवाजों पे, सोफे पे सब पोएट्री लिखी है. एंड देर आर सॉन्ग्स विच हैव ऑलरेडी रिटन, एंड देर आर 3-4 लाइन्स का पोएट्री था. कुछ गाने भी है जो अभी तक फिल्म में नहीं आया. मैं बोलता था कोई चोरी करेगा, कोई फोटो लेके जाएगा. तो ये लोगों को डर भी नहीं था, मतलब इट वॉज लाइक दैट. And his place where he lives also, his house is also like that. And one day there's one puppy going around. So suddenly puppy dekha, uska naam tha Story. So you can imagine. Yeah. So yeah. We are planning to get one screenplay and dialogue also as well. Wish you guys all the best, guys. Thank you. Thank you. Are we done? Any more questions? Done.
I think we'll all photo opportunity. Just we'll do the photo op. I just want to do a round of thank yous, which will be quick. I think Nidia is not interested in that, but thank you. Aap log lete rehna photo. So I would like to thank all of you for coming here, and all of you from the media. And I think it was very, very nice interacting with you all. And आप लोग आए अपना समय निकाल के, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे अंधेरी, बट अंधेरी में भी आना एक जगह से दूसरी जगह आजकल बहुत नाइटमेयर हो गया है. थैंक यू फॉर दैट. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीम. एंड ऑफ कोर्स कुणाल कोहली सर इज हियर, इंदर कुमार सर इज हियर, मिलाप जवेरी सर इज हियर, उर्वशी मैम इज हियर. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द हौसला अफजाई जी. श्रेया मैम इज हियर. ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हर. आई हैव सीन ऑल हर तेलुगु फिल्म्स एंड ऑल हर वर्क मोस्टली. सो एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक आवर को प्रोड्यूसर Neetu ma'am, and sorry, I don't know the name of the daughter. Yes, thank you. But apart from that, Aishwarya, Shreyas's wife, and she's also sung in the film. She's also sung in the film. And Aishwarya, can you just stand up and wave at the media once? Thank you. And Jay, the entire BGM ka team. Vikas Vishwakarma, he's done the BGM alongside with Divya Kumar and Shreyas. So thank you so much, Ritwik. You've been working on the music as well. Ujwala, I'm just going as I'm seeing you all. Ujwala, thank you for playing... Buriwan. No, Ujwala kone? Sorry. Sorry. Prajakta, thank you. That she plays a very important character in the film. Thank you. Aparajita. 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 I don't know. Who's Ujwala, by the way? Yaha mat lado yaar. And Ekta, thank you. And Gitika, thanks a lot. They play very important characters Gitika in the film. Gitika plays a very important character in the film. She's done a beautiful job. Yes. Thank you. And there is Bhumika Meena sitting right here. Thank you for joining. And you've been seeing her work. She plays a very important character. And entire family who's been a support system and been there through our hardships. Garima's mother is here. Father is here. Her mausi is here. And nephew and niece are here. I think my niece is also here, but I can't see her anywhere. I think she couldn't make it in the Andheri traffic. And Shikha's ma'am is here. My mother is here. So thanks a lot. Auntie ji, namaste. Husband is here. Atin, my husband. Yes. Thank you so much for standing by me. Would you please stand up and let the world see you? Because I'm tired of people asking me who you are. He's the guy who's been bearing her for... Garima's twin brother is here. He is also here. And our best friends, Gaurav and Deepakshi, thank you for joining us here. And all of you. And all our AD team, Nitesh is there. There is Tanuja from the costume team. There is Komal. I can't see anybody else right now. Sayyad is there. Yes, thank you, Sayyad, for joining us. I think this is Adam. No, one second. I have to say Jamal. Thank you. Our little Jamal, please stand up. Give up for Jamal, everybody. ओके एंड राहुल हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने बहुत एबली काम किया इस फिल्म के ऊपर. थैंक यू टीम नागार्जुन हुज कम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद. ही इज अ साउंड डिजाइन. तेजा आल्सो एंड महावीर सर हैज जस्ट जॉइंड. ओ या ही इज हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू महावीर सर फॉर कमिंग एंड इफ इन केस अगर हम किसी को भूल गए हो तो आप. ओ हाय 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 मिस्टर विजय जैन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. इस टीम से कोई भी है जो जिसका जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं या जिसका हमने नाम नहीं लिया जो यहाँ मौजूद है प्लीज. आवर एडिटर सत्या इज हियर. सो सत्या थैंक यू फॉर कटिंग दिस ब्यूटीफुल ट्रेलर. दैट्स हिम. उनकी टीम चंद्रकांत सोनावने जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किया हमारे लिए. थैंक यू चंद्रकांत. या ही इज द कॉस्ट्यूम ऑफ द फिल्म इज अ हाईलाइट जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा. थैंक्स चंद्रकांत फॉर डूइंग दैट. सुनील जैन सर मैजिक. बबलू जी सुनील जैन आर प्रोडक्शन डिजाइनर एंड बबलू जी थैंक यू आर डायरेक्टर हमारे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. बस अभी मुमताज जो कि हमको यहाँ लेके आया है. थैंक यू. नाउ दैट वी हैव नेम्ड 80% ऑफ द पीपल इन दिस ऑडिटोरियम एवरीबॉडी गोज बैक होम. या हैप्पी गरिमा नाउ माय पेमेंट. एक हाथ वो तो नहीं मिलेगा आज. क्या अरे ये तो फ्री में कर रहा है मैं. हेलो बॉस ये तूने बोला ना फ्री में कर रहा है. नहीं नहीं कुछ अनमोल याद करो दिन जब मैं तेरी जिंदगी बनाई रेडियो में. जस्ट बिकॉज़ शी हैड माय She has my purane videos, इसलिए मैं आ गया हूँ. कोई बात नहीं. But guys, okay, on a very serious note, we are having a light atmosphere. The film has a little serious subject, but on a very very serious note, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि जब कोई इंसान दुनिया में अपनी ज़िंदगी में एक पहला कदम उठाता है वो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है. आप आज एक बड़े स्पेशल दिन पे आए हैं जब सिद्धार्थ और गरिमा मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त बहुत ज़बरदस्त बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो अपने पहला कदम उठा रहे हैं. एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां. इनकी हौसला अफजाई कीजिए. इनका साथ दीजिए. आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप प्लीज चलिए आइए 5 अप्रैल को थिएटर्स में.
We want a photo op with this yes. whole group Before here, we please. Go, ek baar Shreyas ki awaaz mein do line mohna laga ki please suna do. Okay. Oh yes. This is a song that is. Should I reveal it? Yeah, it is. It is sung by Arijit Singh, and it will be releasing very soon once the trailer is out. Okay. So Abhi Shreyas is going to sing it for you. He's beautifully composed it. Go for it. Thank you, Siddharth and Garima, for writing this beautiful song. Mohana lage Mohana lage Mohan to se aisi koi surat kar de yaare shamsi makhmal kar de aa patthar ki murat kar de काशी काबा मेरा तुम्हें काशी काबा मेरा तुम्हें बस तेरा जो कर लूं मैं तेरे फेरे कर लूं चारों धाम कर लूं चारों धाम मोह न लागे मोह न लागे मोहन लागे मोहन लागे एंड लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक चैतन्य सर राहुल फ्रॉम मंत्रा लुमिनोसिटी चैतन्य सर हैज डिजाइन द पोस्टर्स ऑफ द वंडरफुल पोस्टर्स दैट यू हैव बीन सीइंग ऑल अराउंड टुडे सो इट्स डिजाइन बाय हिम थैंक यू सर थैंक यू फॉर थैंक यू तन्वी थैंक यू सो मच कैन यू